हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो होने वाली है मीशो रैंडम फाइंड्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मैंने रिसेंटली मीशो से कुछ होम डेकोर्स के आइटम्स खरीदी है, जिसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैंने सोचा चलो सब प्रोडक्ट्स को एक वीडियो में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैंने बहुत सारे आइटम्स मंगवाई है, मुझे पता नहीं इस बार ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मैंने ली है ये वाला मूनलाइट, जो कि अभी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मुझे भी ये ट्राई करना था। तो ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है, ये कुछ ऐसे बबल रैप होके आता है, एंड दिस इज़ द मूनलाइट। यू कैन सी इसके नीचे आपको इस तरीके का ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। तो ये हो गया ऑन, और इसको ऐसे टैप करने से इसका कलर चेंज होता है, और ये ब्लिंक भी करता है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये ब्लिंक भी करता है, कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको डेफिनेटली अपनी एस्थेटिक डेस्क पे ऐड कर सकते हो, मैंने भी लिया है। मैं दिखा दूंगी मेरी डेस्क के ऊपर एक कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ आपको मिलता है एक चार्जिंग केबल, USB चार्जिंग केबल, जो पहले की एंड्रॉयड की चार्जर होती थी वही है ये। एंड इसके साथ मिलता है आपको एक स्टैंड, वुडन स्टैंड, इसके ऊपर इसे रखना है। ये बहुत अच्छा लगता है एस्थेटिक डेस्क के लिए, एक मस्ट है प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो, बहुत ही पिंटरेस्टी सा वाइब देगा। एंड इसका प्राइस जो है वो 337 रुपीज़ है, सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। अदर वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा प्राइजी है, ये अमेजन पे एंड फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल रहा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है और एक वायरल प्रोडक्ट मीशो से, जो कि है ये वाला बेडशीट। तो मुझे बहुत टाइम से इसको लेना था, एंड फाइनली मैंने इसको ले लिया गाइज, एंड आई जस्ट लव इट। जस्ट लुक एट द प्रिंटिंग गाइज, दिस इज सो एस्थेटिक एंड क्यूट, एंड द फैब्रिक इज कॉटन ब्लेंड, दिस इज सुपर सॉफ्ट, और ये आपकी डबल साइज बेड में बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। मैं अपनी बेड की फोटो दे दूंगी, स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। एंड इसके साथ आपको मिलता है 2 पिलो कवर्स, ये देखो ये वाले 2 पिलो कवर्स मिलते हैं इसके साथ। And it is so so affordable. The price is just 316 rupees. तो अगर आपने अभी तक इसमें invest नहीं करा है, इसको नहीं ख़रीदा है, तो please इसको ख़रीद लो। ये एक बेडशीट आपकी पूरी रूम की लुक को change कर देगा, I swear. मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको इस पूरे हॉल में से कोई एक चीज़ लेना है, तो मैं suggest करूँगी ये वाला बेडशीट ले लो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया एक बहुत ही यूज़फुल चीज़, जो कि है वॉल हुक्स। तो इसमें आपको 20 पीसेस मिल जाता है, जिनमें से 10 पीसेस है ये वाला हुक्स, ये वाला स्क्रू वाला हुक्स, जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, यू कैन सी। और आपको मिलता है ये वाला हुक्स, ये जो टांगने वाला हुक्स होता है ये वाला, इसके पीछे ही आपको ग्लू मिल जाता है, ऐसे एक प्लास्टिक हटाना होता है, यू कैन सी लाइक दिस, ये वाला हटाना है एंड ये स्टिक हो जाएगा वॉल पे। बट ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट कैरी नहीं कर सकता, बट दिस इज़ वेरी यूज़फुल। आप इसमें पेंटिंग्स वगैरह हैंग कर सकते हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। एंड आप इसको कहीं पे भी स्टिक कर सकते हो, टाइल्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। आप इसको किचन में एंड बाथरूम पे यूज़ कर सकते हो, एंड द प्राइस इज़ ओनली 122 रुपीज़, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी यूज़फुल। तो चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया ये 50 पीसेस का वॉल पोस्टर। मेरी वॉल बिल्कुल सिंपल सा था, तो मुझे ये वाला भी चाहिए था, एंड इसमें आपको 50 पीसेस मिल जाता है, एंड दे आर वेरी एस्थेटिक, यू कैन सी। इनमें से मैंने कुछ सॉर्ट करके ऑलरेडी अपनी वॉल पे लगा के रखी है, जिसका मैं एक क्लिप शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, सो यू कैन सी। इनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, दे आर वेरी नॉट वेरी पतला पतला सा, दे आर बहुत ही अच्छा। एंड इसके साथ आपको चिपकाने के लिए ये बलून ग्लू मिल जाता है, जो कि ऐसे डॉटेड ग्लू मिलता है बलून पे लगाने के लिए, ऐसे वाला डॉटेड ग्लू मिल जाता है, एंड दे आर वेरी स्टिकी, ऐसे फिसलता नहीं है, मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, एंड ये बहुत अच्छे से स्टिक कर रहा है वाल पे। और इसका प्राइस है जस्ट 185 रुपीज़। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए अपने वाल के लिए, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है और एक पिंटरेस्टी चीज़, जो कि है ये जूट रग।
मुझे पता नहीं मैं इसको कैसे दिखाऊँ, ये बहुत ही बड़ा है, मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए था एंड ये अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा प्राइस इसका हाई था एंड फाइनली मुझे इस बार ये मीशो के सेल में बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल गया। ये मुझे जस्ट 450 रुपीज़ में मिल गया है गाइस। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड ये बहुत बड़ा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूँगी इसका पूरा लुक, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप को ये लेना है तो आप इसको डेफिनेटली मीशो से ले सकते हो, क्वालिटी एंड ऑल इज़ वेरी वेरी गुड, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है अपने बैकग्राउंड पे ऐड करने के लिए ये आर्टिफिशियल ग्रीन लिप्स, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। यू कैन सी इसका क्वालिटी बहुत ही प्यारा है एंड ये बैकग्राउंड पर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 5 की सेट में था एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था कुछ 156 रुपीज़, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही वर्थ बाइंग लगा, 5 की सेट मिल रहा है। ये ऑफलाइन स्टोर पे आप ख़रीदने जाओगे तो एक एक पीस ही आपको 50 रुपीज़ का पड़ जाता है, तो मुझे ये बहुत ही अफोर्डेबल लगा मीशो से लेना। तो आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए अपनी बैकग्राउंड पर कुछ अलग सी लुक तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने लिया है एक फ्लावर वर्स, जो कि बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आया है। यू कैन सी इसके अंदर एक और कार्डबोर्ड की पैकेजिंग मिलेगा, इसके अंदर है वो वर्स, तो मुझे इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा लगा। तो दिस इज़ द वर्स, दिस इज़ द डोनट वर्स, यू कैन सी दिस इज़ सो क्यूट एंड सो एस्थेटिक। ये भी बहुत ही वायरल है, मैं सब चीज़ों में थोड़े से लेट चल रही हूँ तो मुझे ये भी चाहिए था। तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसका प्राइस 200 समथिंग कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इसके साथ मैंने लिया है ये आर्टिफिशियल फ्लावर, यू कैन सी दे आर सो क्यूट, इसका भी प्राइस 200 समथिंग कुछ था। तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छा लगता है, इसका क्वालिटी फ्लावर का क्वालिटी बहुत अच्छा है। यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग सो क्यूट, आप इसे भी ले सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास ये लिपॉन आर्ट के होम डेकोर सेट, इसमें आपको मिलता है 3 फ्रेम जिसमें कुछ इस तरीके का बना हुआ है, मैं 1 by 1 दिखाती हूँ। इसको शायद लिपॉन आर्ट बोलते हैं बट इसका जो मटेरियल था ये मेंशन था वुड, बट दिस इज़ नॉट वुड, दिस इज़ समथिंग जो कार्डबोर्ड की मटेरियल होती है थोड़ा सा मोटा वाला वही है। इसमें आपको डबल साइडेड टेप लगा के मिल रहा है, इसको आप आराम से वाल पे स्टिक कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस, ये भी बहुत ही एस्थेटिक से लुक देगा आपकी रूम को। सो यू कैन सी इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा था 128 रुपीज़ का, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि प्राइस इसका बहुत ही कम है एंड यू कैन सी ये बैकग्राउंड पे कितना अच्छा लगेगा वॉल पे स्टिक करने के बाद, आप देख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो इसे भी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये आर्टिफिशियल कैंडल्स, ये तीनों का सेट मिलता है, ये सबसे बड़ा, ये मिडिल एंड ये छोटा। इसके नीचे ऐसे ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, ये हो गया ऑन एंड ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है गाइस, यू कैन सी इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये कुछ प्लास्टिक का मटेरियल है, बहुत ही अच्छा है ये एंड दिस इज़ लुकिंग सो एस्थेटिक गाइस, यू कैन सी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस कुछ ये 400 समथिंग कुछ था, 435 रुपीज़ समथिंग कुछ है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा गाइस। इसका क्वालिटी बहुत ही प्यारा है, अगर आपको ऐसे आर्टिफिशियल कैंडल्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, दिस इज़ सो क्यूट प्रोडक्ट, यू कैन सी। सो या नेक्स्ट आई हैव दिस सेट ऑफ 2 स्टोरेज बॉक्स, मैं 1 by 1 दिखाती हूँ। इसमें आपको एक छोटा बॉक्स मिलता है और एक बड़ा बॉक्स मिलता है, तो छोटा बॉक्स की साइज़ कुछ ऐसा है। इसके अंदर आपको ऐसी एक कार्डबोर्ड मिल जाता है जिसको इसके अंदर देना है एंड ये एक अच्छा सा क्यूट सा बॉक्स बन जाएगा, यू कैन सी। तो इसमें आप अपनी सामान स्टोरेज कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग, दिस इज़ सो क्यूट एंड द प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। एंड ये जो बड़ा वाला है इसमें आप अपने यूज्ड क्लोथ्स रख सकते हो एंड और भी अपनी चीज़ें रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो इसका जो साइज़ है ये कुछ इस तरीके का है एंड इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी सी स्टोरेज मिल जाता है। और इसका यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग ख़राब हो गया है, हमारा जो नेल पॉलिश रिमूवर जो लिक्विड होता है वो गिर गया था यहाँ पे, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ लॉन्ड्री बैग,
तो इसका जो प्राइस है 200 समथिंग कुछ है, 200 या 250 समथिंग कुछ है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये भी एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है डेली लाइफ में। सो या दैट्स इट। सो मेरी होम डेकोर आइटम्स की लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला बैग जिसको मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। सो इसका जो फैब्रिक है दिस इज़ प्योर लेदर, यू कैन सी इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है एंड इसका शेप एंड ऑल बहुत ही प्यारा है। ये किसी ब्रांड का ड्यूप्स है, आप लोगों को पता ही है डियोर ब्रांड का ड्यूप्स है ये वाला। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी टक टक वाला सिस्टम मिल जाता है ओपन करने का एंड यहाँ पे एक जिप क्लोजर मिल जाता है जिसके अंदर आपको और एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिल जाता है, बड़ा वाला स्ट्रैप। और इसमें आपको ऐसी स्पेस मिलता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है बट यू कैन कैरी योर पर्स एंड फोन। एंड इसके अंदर भी एक छोटू सा जिप क्लोजर मिल जाता है, आप आपकी एसेंशियल चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। आई होप यू कैन सी। अच्छा ये बंद था मैंने, अच्छा ये खुला था मैंने बंद कर दिया। ओके सो या इसके अंदर ऐसे छोटू सा कंपार्टमेंट मिल जाता है और इसको आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो एंड बड़ा वाला स्ट्रैप के साथ भी कैरी कर सकते हो। काफ़ी क्यूट सा लुक आता है। इसका प्राइस 400 समथिंग या फिर 300 समथिंग कुछ था, शायद ऑफर के टाइम पे 300 आ जाता है एंड अदरवाइज इसका प्राइस 400 समथिंग कुछ होता है। सो वेस्टर्न वेयर के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। मैं हो सके तो ट्राई ऑन अटैच कर दूंगी इसका। दिस इज द बैग, इफ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली ट्राई, दिस इज सो क्यूट। तो नेक्स्ट भी है एक क्यूट सा बैग, यू कैन सी दिस इज सो क्यूट एंड बहुत ही छोटू सा प्यारा सा बैग है ये। बस शो ऑफ के लिए, इसमें कुछ नहीं आता, कुछ सामान फिट नहीं आता। तो ये आप इस तरीके का ओपनिंग का सिस्टम मिलता है, यू कैन सी। तो इसके अंदर मिल जाता है आपको स्ट्रैप, ऐसे गोल्डन वाली स्ट्रैप एंड इसके अंदर की स्पेस आप देख सकते हो कितना छोटू सा है। इसमें मेरी फ़ोन भी फिट नहीं आता है, ये बस शो के लिए ही है। तो इसका जो प्राइस था मुझे तो याद नहीं है, मैं लिंक्स डाल दूंगी आप चेक कर लेना। तो दिस इज द बैग, ऐसे बहुत प्यारा बहुत लगता है ऐसे। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट और क्या है मेरे पास, शायद और कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई है मेरी लिस्ट। हमारा वीडियो की एंड में हम आ चुके हैं और मैं सोच रही हूँ एंड पे आपको और एक चीज़ दिखा देती हूँ जो कि अमेज़ॉन से है। ये भी एक होम डेकोर आइटम है। सो ये है, आप इसको भी इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, ये ऐसे कुछ ड्रायर आप बोल सकते हो। इसका प्राइस 300 समथिंग कुछ था अमेज़ॉन पे, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी। ये भी डेस्क के ऊपर बहुत ही प्यारा एंड एस्थेटिक लगता है, आप देख सकते हो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये भी प्लास्टिक का, प्लास्टिक मटेरियल में है, यू कैन सी एंड यहाँ पे क्यूट सा बनी बना हुआ है, आई लव इट सो मच। सो या यहीं पे ख़त्म होता है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ की वीडियो थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल सी यू लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड बाय बाय।